हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक रहे और हैप्पी रहोगे। दोस्तों, आप सामने देख रहे हो और आपको टाइटल और थंबनेल को देख के आपको पता ही चला रहेगा कि मैं आज में कौन सी फिश है, नई फिश है, हमारी लाइब्रेरी टैंक में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जी हाँ, मैंने आज सॉल्टेल फिश को ख़रीदा है और सॉल्टेल फिश में मैंने सेंटा क्लॉज सॉल्टेल है ये वेराइटीज़ को मैंने सिलेक्ट किया है। तो पहले इसको हम लोग एक्लेमेटाइजेशन करते हैं और उसके बाद है हम इसे रिलीज़ करते हैं हमारे टैंक में। बहुत दिनों से आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि 2.5 फीट के टैंक के ऊपर एक वीडियो बनाओ, आप उसमें कौन सा एक्वेरियम फिश है रिलीज़ करने वाले हो। तो आपके सामने वीडियो है और मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, मतलब 2.5 फीट के टैंक को लेके मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। बीच में तो ऐसा हुआ था कि सैंड ही बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी, तो उसके ऊपर भी मैंने बनाया है वीडियो, तो आप वो ज़रूर देखना। मैंने सारे वीडियो का प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है, तो ज़रूर वो सारे वीडियोस देखना, तो आप इस वीडियो से अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा लुक है सॉल्टेड फिश का, और यहाँ पे नीचे है ये सारे चॉकलेट मॉलिफ्स है जो मैंने खुद इनको रेस किया है, बढ़ाया है। जितने भी सारे जो वीडियोस है मॉली फिश के ऊपर जो मैंने वन वाइज मंथ बनाए हैं, तो उन सब का मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अभी न्यू सॉल्टेल फिश को हम लोग एक्लिमेट करते हैं, टेम्परेचर है वो मैच करते हैं वाटर का, उसके बाद रिलीज़ करते हैं। कुछ आधे घंटे के ऊपर टाइम हो गया है, तो अभी इनको रिलीज़ करने का समय आ गया है। तो अभी मैं सेंटा क्लॉज सॉल्टेड फिश को रिलीज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने 6 पीसेस लिए हैं जिसमें 4 फीमेल है और 2 मेल है, जो कि एक कॉम्बिनेशन बराबर से एडजस्ट होना चाहिए लाइव बैरर का। तो इसके लिए मैंने फीमेल ज़्यादा ली है और मेल है उसका क्वांटिटी कम रखा है, और ग्रीन सेटअप है मतलब ग्रीन कलर का पूरा सेटअप है, तो उसमें रेड कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखो सारे सॉल्टेड फिश काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इनके ऊपर जो कलर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बेसिकली ये स्ट्रेस में नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी सॉल्टेड फिश है स्ट्रेस में नहीं लग रहा है, फ्रीली अभी वो स्विम करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है पूरे टैंक में। बहुत सारे हमारे जो शॉपकीपर है जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, वो ज़्यादातर के जब भी सॉल्टेड फिश को देख के बोलते हैं कि जो सेंटा क्लॉज जो सॉल्टेड फिश आता है उसका हमेशा कलर है, मतलब आई का कलर है वो रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लोज शॉट लेने की, बट इनिशियल देखो यहाँ पे है उनका आईज़ है वो रेड ही है, मतलब ये प्योर ब्रीड है सेंटा क्लॉज सॉल्टेड फिश की। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको ये सेटअप है पूरा ये कैसा लग रहा है। अभी और 2 फिश इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ लाइब्रेरी में, तो आप वो बताना कि कौन से फिश है, और मेरे माइंड में वो वेराइटीज़ है वो अगर मिली जल्द से जल्द तो वो भी मैं इंट्रोड्यूस करने का मैं ट्राई करूँगा हमारे इस टैंक में। और एक है वेराइटीज़ जो लाइब्रेरी में आती है वो भी मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा, तो उसके बाद हमारा ये जो लाइब्रेरी टैंक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये था वीडियो न्यू फिश के ऊपर था, जो अभी हमारे 2.5 फिट के टैंक में मैंने सॉल्टेड फिश को रिलीज़ किया है, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से स्विम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, टेक केयर एवरीवन एंड बाय।